इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान के नाम भले ही विवाद में चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक में देवलाहल्ली में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली खान साहब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फातिमा बेगम था। उनके पिता मैसूर राज के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पे हुए 1761 में मैसूर के शासक बने। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने अपने पुत्र को शेर ए मैसूर के खिताब से नवाजा था। अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हैदर अली का देवस्थान एवं टीपू सुल्तान का राज्याभिषेक मैसूर की एक प्रमुख घटना थी। अपने पिता हैदर अली के पश्चात 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की राजगद्दी पर बैठे। अपने की पिता की तरह ही वे अत्यधिक महत्वाकांक्षी कुशल सेनापति तथा चतुर कूटनीतिज्ञ थे। यही कारण था कि वह हमेशा अपने पिता की पराजय का बदला अंग्रेजों से लेना चाहते थे। अंग्रेज उनसे काफ़ी भयभीत रहा करते थे तथा टीपू सुल्तान की आकृति में अंग्रेजों को नेपोलियन की तस्वीर दिखाई पड़ती थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता भी थे। अपने पिता के समय में ही उन्होंने प्रशासनिक सैनिक तथा युद्ध विद्या लेनी प्रारंभ कर दी थी, परंतु उनका सबसे बड़ा अवगुण जो उनकी पराजय का कारण बना वो फ्रांसीसी पे अत्यधिक भरोसा। अपने पिता के समान ही निरंकुश थे वह, कट्टर धर्मांत और मुसलमान भी थे। उनके चरित्र के संबंध में विद्वानों ने काफ़ी मतभेद है। मैसूर के एक अन्य कहावत है कि हैदर अली साम्राज्य संस्थापित करने के लिए पैदा हुए थे और टीपू सुल्तान उनको खोने के लिए। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के चरित्र की काफ़ी प्रशंसा भी की है। टीपू सुल्तान एक परिश्रमी शासक और मौलिक सुधारक और अच्छे योद्धा थे। इन सारी बातों के बावजूद वह अपने पिता के समान कूटनीति एवं दूरदर्शी थे, यह उनका सबसे बड़ा गुण। टीपू सुल्तान का नाम उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी के रूप में भी याद किया जाएगा, क्योंकि उनकी सेना का साप्ताहिक बुलेटिन उर्दू में था। यह सामान्य धारणा है कि जामा ए जहां नूमास 1823 में संस्थापित पहला उर्दू अखबार था। वह गुलामी को खत्म करने वाला पहला शासक थे। कुछ मौलवियों ने इस उपाय को थोड़ा बहुत बोल्ड और अनावश्यक माना है। टीपू अपनी बंदूकों से चिपक गया। उन्होंने पूरे जोश के साथ एक लाइन को लागू करने के फैसले को लागू कर दिया, यहाँ तक कि उनके द्वारा देवताओं के आशीर्वाद के लिए विशेष प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया जाता। 1791 में श्री गंगा तट के जगत गुरु स्वामी को लिखे उनके पत्र हिंदू विषयों के साथ उनके उत्कृष्ट संबंधों के प्रमाण है। इस दावे के लिए टीपू के कुछ 30 पन्नों को भारतीय पुरातत्व विभाग में संचालित किया गया है। दक्षिण भारत के विकल्प हिस्टोरिकल स्केल टीपू सुल्तान की हिंदू नफरत के रूप में कोई भी न्याय नहीं करते हैं। गांधी जी उन सभी इतिहास की पुस्तकों का विमोचन किया जो टीपू सुल्तान को हिंदुओं धर्मांतरण के लिए मजबूर करती थी। वो सोचते थे कि कन्नड़ भाषा में टीपू पत्र हिंदुओं के प्रति उनकी उदारता का जीवंत प्रमाण है। गांधी जी टीपू द्वारा वक्फों को हिंदू मंदिरों में समानांतर स्थापित किया। उनके महल वेंकट रमन श्रीनिवास और रंगनाथ मंदिर के करीब खड़े थे। वे विशेष रूप से मैसूर के शासक की प्रशंसा करते हुए कहते थे, शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की बहुत ही बेरहमी और निर्वक्ता पूर्वक अंग्रेज द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी तलवार अंग्रेज अपने साथ लेके ब्रिटेन चले गए। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उनका सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि उस कमी को सुधार के और मैं काफ़ी बेहतर वीडियो हम आपके आगे प्रस्तुत कर पाए। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।